महिंद्रा इस साल कई सारी SUVs को लॉन्च करने वाला है, जिनमें वो अपनी माइक्रो SUV KOV 100 के ऑल इलेक्ट्रिक वेरिएंट को भी लॉन्च कर सकता है। और रिसेंटली इलेक्ट्रिक KOV 100 को टेस्टिंग के दौरान स्पाई भी किया गया था, जिसके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अगर आप KOV 100 और बाकी गाड़ियों से जुड़े कंपैरिजन रिव्यूज देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फिर 2021 महिंद्रा KOV 100 की स्पाइड इमेजेस की बात करते हैं। इस स्पाइड इमेज में आप KOV 100 के फ्रंट एंड को देख सकते हैं, जहाँ पर इसकी ग्रिल कैमोफ्लाज थी, जो कि सीधा सीधा ये बताता है कि ये KOV 100 का ऑल इलेक्ट्रिक वेरिएंट ही था, क्योंकि जब महिंद्रा ने इसको 2020 के ऑटो एक्सपो में शोकेस किया था, तब उस मॉडल की फ्रंट ग्रिल स्टैंडर्ड KOV 100 जैसी नहीं थी और कुछ ऐसी दिखती थी, और इस स्पाइड मॉडल की ग्रिल भी नहीं थी। इस चेंज के अलावा स्पाइड KOV 100 में कोई और मेजर चेंज नहीं दिख रहा। चलिए अब दूसरी स्पाइड इमेज की बात करते हैं। इस स्पाइड इमेज में आप स्पाइड KOV 100 की साइड प्रोफाइल को देख सकते हैं, जहां पर इस स्पाइड मॉडल में स्टील रिम्स फिटेड थे, जो कि इस बात को कंफर्म करते हैं कि स्पाइड KOV 100 मॉडल एक बेस वेरिएंट था KOV 100 की वेरिएंट लाइनअप में। इसके अलावा इस मॉडल में ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स और ORV वाले फीचर्स भी फिटेड थे, और इसका चार्जिंग पॉइंट इसके फ्रंट पैसेंजर साइड के फेंडर पर दिया हुआ था, जो कि एक मेजर चेंज रहेगा KOV 100 में एक स्टैंडर्ड मॉडल से। चलिए अब इसकी तीसरी स्पाइड इमेज की बात करते हैं। इस स्पाइड इमेज में आप इसके रियर एंड को देख सकते हैं, जहां पर इस मॉडल में क्लियर लेंस टेल लैंप्स, इंटीग्रेटेड रूफ स्पॉइलर, फॉक्स स्केट प्लेट और रियर पार्किंग सेंसर्स वाले फीचर्स फिटेड दिख रहे हैं, और इसके अलावा कुछ भी अलग नहीं था इस स्पाइड KOV 100 में। तो ये तो होगी 2021 KOV 100 की नई स्पाइड इमेजेस की बात। चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रिक मोटर और रेंज की बात करते हैं। इस इलेक्ट्रिक माइक्रो SUV में हमें 40 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगी, जो कि 15.9 किलोवाट आर की लिथियम आयन बैटरी पैक के साथ अटैच्ड होगी, और ये इलेक्ट्रिक सेटअप 53 PS की पीक पावर और 120 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, और एक फुल चार्ज पर ये 120 किलोमीटर तक चल पाएगी। और अगर इसकी चार्जिंग कैपेबिलिटीज की बात करूं तो महिंद्रा इसके साथ हमें दोनों AC और DC फास्ट चार्जिंग के ऑप्शंस प्रोवाइड करेगी। तो ये तो होगी KOV 100 के एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रिक मोटर और रेंज की बात। चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड फीचर्स की बात करते हैं। इस माइक्रो SUV में हमें हैलोजन हेडलैम्प्स, LED DRS, LED टेल लाइट्स, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, 7-inch टच स्क्रीन सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लू सेंस कनेक्टेड कार टेक, रिमोट कमांड्स, 15-inch डायमंड कट अलॉय व्हील्स, ऑटोमेटिक AC, मैनुअल डे नाइट IRVM, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड MID कंट्रोल्स, फ्रंट कप होल्डर्स, रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स, कूल ग्लव बॉक्स, रियर वाइपर, वॉशर और डीफॉगर वाले फीचर मिल सकते हैं। सेफ्टी में इस SUV में हमें डुअल एयरबैग्स, ABS, EBD, ESP, हिल स्टार्ट असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर्स, रियर पार्किंग कैमरा, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स, टायर प्रेशर मॉनिटर और हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम वाले सेफ्टी फीचर्स भी मिल सकते हैं। तो ये तो होगी 2021 KOV 100 की एक्सपेक्टेड फीचर्स की बात। चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड प्राइसेस और एक्सपेक्टेड इंडिया लॉन्च की बात करते हैं। महिंद्रा इस KOV 100 को 7 लाख से 10 लाख के बीच प्राइस कर सकती है, और इसका एक्सपेक्टेड इंडिया लॉन्च इस साल के फेस्टिव सीजन में है, और लॉन्च होने के बाद ये टाटा टिगोर इलेक्ट्रिक के साथ डायरेक्टली कम्पीट करेगी। तो ये थी मेरी तरफ से अपकमिंग 2021 महिंद्रा KOV 100 से जुड़ी एक और अपडेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।